गुड hey इवनिंग आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर इफ यूज डोंग वीडियोज एंड सोन वी आर प्लानिंग टू डू अ गिव अवे जितनी जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तेन आई फिलहाल ही रिकमेंड कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना मिस हो सो so गाइज आज का मेरा ये हॉल वीरियो मोस्टली होने वाला है समर अप्रोप्रिएट ड्रेसेस के लिए एंड अगर आपको इस हॉल में से कुछ भी पसंद आ जाए तो उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से कोई भी चीज बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जरूर से देखिएगा चेकआउट कीजिएगा एंड कुछ पसंद आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लेकर जरूर से बताइएगा ना अभी हॉल में कौन कौन सी ड्रेसेज हैं टू नो दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन लाइक मोस्टली डेली के ही है समर अप्रोप्रिय है, तो एक ही ऐसी ड्रेस है जो मैं बेसिकली पार्टीज के लिए आपको रिकमेंड कर रही हूं एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड अनुभूति जिसमें मैंने साइज एम वेयर किया है सो so, इस तरीके की ड्रेस है ये बेसिकली चंदेरी सिल्क फैब्रिक पे है एंड दिस फैब्रिक इज एक्चुअली नोन फॉर द ब्यूटिफुल शाइन इट हैज यू कैन सी मरून कलर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ड्रेसेज मरून कलर पार्टीज इट जस्ट अ परफेक्ट मैच तो कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आई होप यू कैन सी एंड देन उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ अ प्रॉपर प्रॉपर जरी का वर्क काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एंड देन उसके बाद आपको मैंड्रीन कॉलर मिल रही है सो इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस ऑल्सो तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कुर्ता पे यहाँ पे देखिए गोटा का वर्क भी मिल जाएगा एंड देन स्लीप भी इसी तरीके का गोटा का वर्क है सो so इस कुर्ता पे आपको पूरे के पूरे सेक्शन में लाइक like फ्रंट पे एंड बैक पे इसी तरीके के पोल का डॉट्स मिल रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ना इसको स्टाइलिंग की बात करूं सो so, लेगिंग से लेके प्लाजो पैंट्स एंड शरारा स्कर्ट सब कुछ इसके साथ काफी खूबसूरत लगेगा डिपेंडिंग ऑपोन आप इसे कैसे स्टाइल करना चाहते हैं इफ़ यू रियली हैंवी लुक तो मैं बोलूंगी आप इसको शरारा के साथ या फिर स्कर्ट के साथ पेयर कीजिए एंड डेफिनेटली यू हैव टू गो विथ रियली हैवी ईयर रिंग्स बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल इंडियन लुक एंड उसके बाद अगर आप इसका लुक थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इसे लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकती हैं लाइक अ सेट टोटली आपकी चॉइस आप इसे कैसे स्टाइल करती हैं सो या इंडियन कॉम्प्लेक्शन पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगी नाउ मोस्टली अब बात करने वाले हैं हम कॉटन की या फिर समर अप्रोप्रिएट ड्रेसेस की एंड उसमें फर्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ओके लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेस आई एम वेयरिंग राइट नाउ बिकॉज आई नो यू गाइज गन अ कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन सो गाइज ये जो कुर्ता सेट है बेसिकली ये कुर्ता एंड पैंट का सेट है एंड दिस Fabric which is cotton definitely has my heart. इस फैब्रिक को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है स्पेसिफिकली इंडियन समर्स में तो ये ब्यूटीफुल सा रेडिश मरून आप बोल सकते हो इसे ब्रिक रेड होता है ना उस तरीके का खूबसूरत सा रेड कलर का कुर्ता है और नेक पे आपको ब्यूटीफुल सा यहाँ पे थोड़ा सा गोटा का वर्क भी मिल जाता है एंड अगर आप इसको इस तरीके से मेरी तरफ बड़ी सी ईयरिंग के साथ स्टाइल कर लेते हैं तो ये हल्का फुल्का आपको पार्टी वाला लुक भी देगा अगर आप किसी प्रोफेशनल पार्टी में जा रहे हैं या फिर छोटे मोटे छोटे मोटे फैमिली फंक्शंस में तो येस डेफिनेटली एंड इसके बाद मैंने इसमें साइज़ एस वेयर किया है एंड आई एम नॉट रॉन्ग दिस कुर्ती वॉज कुर्ता सेट वॉज अंडर रुपीज़ एट हंड्रेड तो सुपर अफोर्डेबल है कॉटन फैब्रिक है आपको इन समर्स में कॉटन के अलावा कोई नहीं बचा सकता यू नो एक्सेसिव लाइक बॉडी रैशेज या इस तरीके की किसी भी चीज़ से तो कॉटन फैब्रिक जरूर से आपको पहनना चाहिए इस ड्रेस के लिए नहीं इन जनरल आपको कॉटन फैब्रिक ज़रूर से ट्राई करना चाहिए तो यस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ड्रेस इट्स अ ब्यूटीफुल वन कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है इंडियन स्किन टोन पर भी अच्छा लगता है एंड उसके बाद इस ड्रेस को जो नीचे आपको पैंट्स मिल रही है राइट right साइड आपको उसमें मिलने वाली है पॉकेट जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड देन फैब्रिक इज़ सुपर सॉफ्ट एंड इसके कीप यू मूविंग ऑल डे लॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन एंड Highly, highly uh, मीशो और एमेजॉन दोनों पे मिल जाएगी सो इफ आई कैन पॉसिबिल डू तो आपको अमेजॉन और मीशो दो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी आप जहां से बाय करना चाहते हैं टोटली अप टू यू ओके नेक्स्ट अबाउटर ब्यूटिफुल कुर्ती एंड दिस वन इजनाही नॉट श्योर sure कि इसके ब्रांड का नाम क्या है बट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटफुल कुर्ती जो कि आपको मिल रही है इस तरीके के डार्क ब्लू कलर में ना इस कुर्ता पे काफ़ी ज़्यादा आपको गोटा का वर्क मिला है मतलब नेक पे काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके का गोटा की लाइन्स हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मैंड्रीन कॉलर मिल रही है एंड देन स्लीप पर भी आपको अच्छा खासा वर्क मिल जाएगा गोटा का सो मैनी लाइन्स आ देयर एंड ये जो कुर्ती आपको मिल रही है बेसिकली ए लाइन की है एंड दिस दिस पैटर्न ए लाइन कुर्ती की बात करूँ इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन एवरी बॉडी शेप आपका बॉडी शेप चाहे जो भी हो बिकॉज नॉर्मल इंडियन कल्चर में बॉडी uh, वेस्ट में बोलूँ तो अगर आपका एक थोड़ा सा जो वेस्ट जो होती है हमारी हैवी होती है तो उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इट डेफिनेटली मेक्स यू फील ब्यूटिफुल एंड लुक प्यूरफुल तो लगता ही है तो यस आई टोटली लव दिस ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इससे आप अगेन थाउजेंड टाइम्स वाइट कलर की कोई भी लेगिंग्स या कोई भी पैंट्स आप इस ड्रेस के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं एंड uh, अगर आप हो यस आई एम रिकमेंडिंग लेगिंग्स और पैंट्स तो क्योंकि इसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रही है एंड फिर ये मेरे हिसाब से इसमें मुझे जो यूथ वाला जो एक इमेज uh, होती है ना जब आप कॉलेज के लिए जाते हो या डेलीवर के लिए वो मुझे इसमें ज़्यादा लग रही थी एंड ऑब्वियसली अगर आप ऑफिस जाते हो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो और जिस मैं पर्सनल फेवरेट कि अगर आप कॉलेज में होना तो इसे लेकर जरूर से ट्राई करना सुपर अफोडेबल प्राइस पर आपको सुपर स्टाइलिश पे दिखाएगी ये सो या कॉटन फेब्रिक एक तो मेरा फेवरेट है एंड इसको वॉश करना भी सुपर ईजी होने वाला है क्योंकि कुछ भी इसमें संभालने वाला आइटम है ही नहीं आप इसको आराम से डाल दो मशीन में एंड वैसे ही निकलेगा ओके देयर इज़ अनदर फैब्रिक जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कॉटन के अलावा एंड दैट इज़ रे ऑन तो नेक्स्ट जो मेरा कुर्ता है फ्राम द ब्रांड औरलिया से है यह कुर्ता ओके जस्ट हैवे लुक ऑफ दिस कुर्ती फर्स्ट तो इस तरीके की, की कुर्ती है जो इसमें हल्का सा यहाँ पर येलो कलर दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली रियली आई कैचिंग आई एम नॉट आई मीन कैं सी मतलब एक छोटी छोटी सी लाइन्स हैं लेकिन वो कितना ज़्यादा हाईलाइट होके आ रही हैं सो दैट्स द रीज़न कि मैंने इस कुर्ता को बाय किया है रेन फैब्रिक का है सुपर सुपर सॉफ्ट है बट जब इसको ट्रैंड की बारी आई तो मुझे मेरी येलो कलर की लेगिंग्स नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको फिर से वाइट कलर की पैंट्स के साथ ही स्टाइल किया है तो इन शॉर्ट वाइट कलर की पैंट्स और लेगिंग्स घर में ला के रख लीजिए पूरे समर्स आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है तो ये कुर्ती जो है आपको मिलेगी थ्री फोर स्लीव के साथ अगेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेउन है जो कि बिल्कुल भी शेयर नहीं है एंड आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है हाइट ग्रुप की बात करूँ तो अगेन फाइव फीट से लेके फाइव सेवन फाइव फाइव सेवन फाइव एट यस आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली हो होने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये कुर्ती भी मेरे हिसाब से डेली वेयर के लिए आप इसको आराम से ट्राई कर सकती हैं इट्स अ ब्रांडेड वन फ्रॉम द ब्रांड ऑरेलिया से है तो अगर आपको पसंद है ब्रांडेड कुर्तीज़ तो भी आप इसको लेकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड यस आई डेफिनेटली लव दिस अगर आपको लुक अच्छा लगे आपको भी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक या कोड जो भी होगा एक्चुअली आपको लिंक ही मिलेगा ओके okay. नेक्स्ट आई हैव फ्रॉम द ब्रांड जमसया एक एक्वा ग्रीन कलर की कुर्ती ये ब्यूटफुल सा कलर आपको मिल रहा है लहरिया प्रिंट्स के साथ यार ये कलर मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है आई I मीन mean, इस कलर में आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर जिसकी हेमलाइन मिल रही है हल्का सा कर्व जो पठानी कुर्तीज़ में होता है ना उस तरीके का आपको मिल रहा है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा लुक आप देख लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन कुर्ती पे आपको फ्रंट में की होल नेक मिल रहा है दिखने में काफ़ी सिंपल एंड सोबर आइटम है एंड देन उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों ही साइड इस तरीके का प्रिंटेड है एंड इस कुर्ती की जो सबसे अच्छी बात है आई एम गोना रिपीट दिस लाइक ए थाउजेंड टाइम वाइट कलर की किसी भी पैंट्स या लेगिंग्स के साथ आप इसे स्टाइल कर सकती हैं और ऑफ़िस के लिए या कॉलेज के लिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी आइटम हो जाता है आ, ये देखते हुए कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है तो अगर आपको पसंद आए मैंने इसमें साइज वेट या yeah, इसमें मैंने साइज़ एम वेयर किया है बहुत थोड़ा सा मुझे लूज़ है तो अगर आपको हल्का सा लूज़ पहनना पसंद है एक साइज़ अब जाके बाय कर लीजिए आपको अच्छी फिटिंग की ड्रेसेस पहनना पसंद है अपना प्रॉपर साइज़ ऑर्डर कीजिए फिटिंग वाइज इनका साइज़ चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जस्ट योर पर्सनल प्रेफरेंस कि अगर आपको लूज़ पहनना पसंद है या या फिर आपको नॉर्मल फिटिंग के ड्रेसेस पहनना पसंद है सो यस हाईली रिकमेंडिंग दिस कुर्ती टू नेक्स्ट आई हैव अ कुर्ती फ्रॉम द ब्रांड अयुक्ता एंड दिस कुर्ती इज ऑलरेडी सो हाई रेटेड ऑन अमेजॉन एंड आई कैन टेल यू गाईज़ वाई बिकॉज ये है एक कॉटन फैब्रिक की कुर्ती एंड द कलर ऑफ दिस कुर्ती इट एक्चुअली मतलब न्यूट्रल टाइप का कलर है सभी पे अच्छा लगेगा इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज की ज़रूरत नहीं है आई मीन इट्स नॉट लाइक कि आप ट्वेंटीज़ में हो तो ये कलर अच्छा लगेगा थर्टीज़ में हो किसी भी एज ग्रुप में आप हैं आपके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगने वाला है एंड दिस कुर्ती इज़ सुपर इजी टू वॉश सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन में डाल डालिए ऐसे ही निकल जाएगी कोई एक एलिमेंट नहीं है इस कुर्ती में जो यू you नो know, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से वॉश करना पड़ेगा या फिर संभाल के पहनना पड़ेगा तो मुझे ये चीज़ हमेशा बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती के साथ साथ आप अब मैं नहीं बोलूँगी आप किस कलर की बॉटम डालो बट देन अगेन जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं वाइट भी चलेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ, बटन्स हैं बेसिकली ये बटन जस्ट फॉर शो हैं ये ओपन नहीं होते हैं एंड उसके बाद क्वार्टर स्लीव आपको इसके साथ भी मिल रही है एंड उसके बाद मैं इसको बोलूँगी अगर आप चाहो तो इसे जीन्स के साथ भी स्टाइल करना ये उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा दिस कुर्ती एक्चुअली इस ऑल की काफ़ी सारी एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जो कि बेसिकली पार्टी के लिए है सारी की सारी कुर्ती आप ट्रैवल के लिए फैमिली गेट टुगेदर संडे ब्रंच फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे कहीं जा रहे हो ऑफिस कॉलेज डेली वेयर एनी आप कहीं के लिए भी जा रहे हो इन कुर्तीज को ट्राई कर सकते हैं आपके बजट में भी रहेंगी और आपकी बॉडी को भी बहुत अच्छी लगने वाली हैं नेक्स्ट आइटम के लिए मेरे पास है एक कुर्ता एंड प्लाजो का सेट एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड इडालिया अगेन दिस इज़ अ रियली हाई रेटेड कुर्ता सेट ऑन एमजॉन तो ये जो कुर्ता सेट है ये भी प्रॉपर आपको रिओन फैब्रिक पे मिल रहा है एंड सुपर सुपर सॉफ्ट इस कुर्ता पे आपको नेक पे जो गोटा का वर्क मिल रहा है देखिए इस तरीके से गोटा का वर्क है थोड़ा सा यू नो हाईलाइट के एंड देन उसके बाद स्लीव स्लीव इज एक्चुअली हाफ स्लीव फुल थ्री फोर्थ या फुल नहीं है हाफ स्लीव है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्लेन टाइप का एक इस तरीके से कुर्ता मिल रहा है जिसका कलर बेसिकली कॉफी कलर का है एक्चुअली और यहाँ पर दामन पर हल्का सा गोटा का वर्क आपको मिल जाएगा आ, नीचे की बात करें बॉटम वेयर की तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई फेवरेट विच इज दोनों साइड आपको इलास्टिक का पैटर्न मिल जाएगा एंड राइट साइड ये देखिए राइट साइड इस तरीके से पॉकेट मिल रही है उसके बाद ये हल्का सा नीचे गोटा का वर्क आपको मिलेगा इस तरीके से वरना पूरा का पूरा प्लेन है ये तो अगर आप सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं इट्स दैट समथिंग यू लुक तो आप इस ड्रेस को ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट्स लाइक 85 फाइव टू 90 परसेंट ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन है फैब्रिक सुपर कम्फर्टेबल एंड ड्रेस इज़ सुपर अफोर्डेबल तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली uh, ये काफ़ी अच्छे ब्रांड से भी है अगर आपका टेस्ट है इस तरीके की ड्रेसेस का uh, मुझे लगता है कि ये ड्रेस किसी भी सोफेस्टिकेटेड प्लेस के लिए काफ़ी अच्छी है तो या yeah, गाइज ये था मेरा इस बार का कलेक्शन जो कि समर अप्रोप्रिएट था अगर आपको पसंद आए इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर श्यूर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट यू टू हिट द बेल नोटिफिकेशन अब अगर आप प्रीवियस के दो वीडियो देखना चाहते हैं फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड आई एम गोना सी यू गाइज सुपर सुपर सून तब तक के लिए बाय